कि 11.6 क्या बोलता है कहता है द्रिशॉल्ट फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल इज 3.3 पॉइंट थ्री इंटू टेंट पॉर इफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8.2 पॉइंट टू इंटू टेंट पॉर फोर्टीन इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्रोडक्ट द कट ऑफ वोल्टेज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एच की वैल्यू गिवन है 6.63 पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है अब क्यों दिया है वो हम नहीं जानते देखा जाएगा देखो ध्यान से सबसे पहले तो गिवन की बात कर लेते हैं थ्री शॉर्ट फ्रिक्वेंसी को न्यू नॉट लिखते हैं ना आप चाहो तो हिंदी मतलब उसको वर्ड में भी लिख सकते थ्री शॉर्ट फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट दिया है आपका थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन फॉर फोर्टीन क्या होती है थ्री शॉर्ट फ्रिक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटान विच कैन इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस इसकी डेफिनेशन नाइन्टी पूछी जाती है और जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो दी है आपकी 8.2 पॉइंट टू इंटू टेन पॉवर फोर्टीन एट पॉइंट टू इंटू टेन पॉर फोरटीन हर्ट्स यानी ज़्यादा है और वैसे भी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रिशॉल्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए तो कह रहे हैं कि पहले तो कट ऑफ वोल्टेज के बारे में बताओ क्या होगा कट ऑफ वोल्टेज कट ऑफ वोल्टेज कट ऑफ वोल्टेज यानी वो मैक्सिमम निगेटिव वोल्टेज जो मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को वो मिनिमम वोल्टेज निगेटिव जो मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों को रोक सके ठीक है और एच की वैल्यू दी है वो तो बात की बात है देखिए हम जानते हैं अगर बाई आइंस्टीन्स आइंस्टीन सिक्वेशन स्पेलिंग देख लीजिएगा कभी कभी आइंस्टीन की स्पेलिंग गल, गलत हो जाती है तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी गिरी है वो एच न्यू है क्यों और जो वर्क फंक्शन है वो एच न्यू नॉट है ये जो बची हुई एनर्जी होती है दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मला होता है ना और अगर कट ऑफ वोल्टेज वी नॉट है तो हम जानते हैं मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मला होता है ई वी नॉट इक्वल टू एच कामन लेंगे न्यू माइनस न्यू नॉट तो यहां पर वी नॉट की वैल्यू आएगी एच न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन ई ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे आप क्योंकि कट ऑफ आपको ये बताना पड़ेगा थोड़ा सा कहानी ठीक है डायरेक्ट आप लिख दोगे नंबर तब भी मिल जाएंगे तो एच की वैल्यू जो दी है वो दी है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टू पावर माइनस थर्टी फोर सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेंट पावर माइनस थर्टी फोर न्यू दिया है आपका एट पॉइंट टू माइनस थ्री पॉइंट थ्री और टेंट पावर फोरटीन ले लिया कामन अपान ई दिया है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंट पावर माइनस नाइन्टीन तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगी टू पॉइंट ज़ीरो थ्री हम कैलकुलेट कुछ नहीं कर रहे हैं अपने आप करिएगा टू पॉइंट जीरो थ्री वी नॉट यूनिट क्या लिखें किलोग्राम वोल्ट तो ये आपका एलेवन पॉइंट सिक्स नोट करें हाई अच्छा वी के एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है अभी किलो वोल्ट मिली वोल्ट हो सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फार्मूला होता है एनर्जी की यूनिट होती है वोल्ट होगा केवल ठीक है